अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपने देखा कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ। अफगानिस्तान से जो T20 सीरीज है, फिर पाकिस्तान सुपर लीग भी भरपूर तरीके से जारी। और पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे देखने को मिले जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और लोग आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग हो या फिर जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक सीजन हुआ था उसमें अगर वनडे ले लें, T20 कप ले लें, तो उसमें भी टॉप 5 में उन्होंने स्टैंड किया। मैं बात कर रहा हूँ साइम अय्यूब की। साइम अय्यूब जो कि आप लोग सब जानते हैं कि एक उभरते हुए सितारे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और मॉडर्न डे क्रिकेट की जितने भी फीचर्स हैं वो सारे उनमें नज़र आते हैं जिस तरह से अभी तक उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन जब वो मंजर आम पर आया या PSL में उन्होंने एक मैच में परफॉर्म किया तो बहुत सारे कोचेज साइम अय्यूब के मंजर आम पर आए कि हमने उनकी कोचिंग की है। मैं अपनी बात करूँ तो 2019 या 18 या 20 में अगर आप कह रहे हैं तो जो स्क्रीन के दाएं जाने शख्सियत मौजूद है ये लेवल 2 क्वालिफाइड कोच हैं PCB के। और जो मैं बात कर रहा हूँ 2018, 2019, 2020 में हम इनसे मिले तो हमने देखा कि ये साइम अय्यूब को प्रैक्टिस कराते थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि साइम अय्यूब का जो आज नाम आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो वो थोड़ा बहुत हिस्सा मोहम्मद कयूम भाई ने भी डाला है। कयूम भाई जैसे मैंने बताया कि लेवल 2 क्वालिफाइड कोच हैं, PIA क्रिकेट अकेडमी में भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है तो इनसे थोड़ी सी बात करेंगे साइम अय्यूब के हवाले से। कयूम भाई आपको वेलकम करेंगे। वेलकम कयूम भाई, कैसा देखते हैं साइम का या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कल स्पॉट अनाउंस हुआ है अफगानिस्तान के अगेंस्ट? हमारी चीज है, बहुत सारे इंटरेस्ट खिलाड़ी उसमें शामिल हैं, साइम का भी उसमें नाम आया है। आपने बहुत करीब से देखा है साइम को, आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया, तो कितना अच्छा लगता है जब आप आपके सिखाए हुए खिलाड़ी आगे आते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं? मोहसिन भाई जाहिर सी बात है बहुत प्राउड फील होता है। और साइम अय्यूब की अगर बात करें तो माशाल्लाह बच्चा जब यंगस्टर आया था बहुत ही छोटी एज में, 8 ईयर्स का था जब से ही, माशाल्लाह वो बहुत टैलेंटेड था और उसने डे बाय डे अपने आप को ग्रूम अप किया। और जितने भी कोचेस उसके आए, चाहे मैं हूँ या अदर कोचेज हों, उनके साथ जो भी उसने वर्क किया, काम किया, वो उसने अपने वर्क को, टाइम को यूटिलाइज़ किया और डे बाय डे मॉडर्न क्रिकेट के अंदर नई नई चीज़ें करता चला गया जो आज पूरी दुनिया के सामने। अच्छा कयूम, जिस तरह आपने साइम के वाले से बताया तो आप कहाँ मुलाकात हुई थी, किसके साथ साइम आए थे, PIA अकेडमी में ही आए थे किसी के साथ या फिर कहाँ आपको टकरा गए थे? PIA क्रिकेट अकेडमी में जो भी हमारा तरीकेकार है एडमिशन का, उसी थ्रू एक टेप बॉल क्रिकेट में वो आए थे, बहुत छोटे से थे। उसके बाद हमारा जैसे प्रोसीजर है PIA क्रिकेट अकेडमी का, हम टेप बॉल से यंगस्टर को ग्रूम अप करके उनको ले जाते हैं हार्ड बॉल के अंदर, फिर वहाँ पे उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर उनको कोचिंग करते हैं एज ग्रुप के हवाले से। तो जब साइम आए थे तो वो टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो उनको हार्ड बॉल की तरफ लेकर गए, उस वक्त उनकी एज क्या होगी? 8 ईयर्स के आए थे, डे बाई डे इम्प्रूव करते चले गए माशाल्लाह से। उसके बाद अंडर 15 में उनको PIA क्रिकेट अकेडमी से कस्टम अकेडमी के साथ इंडिया टूर पे भी भेजा गया था। उसके बाद उनकी क्रिकेट माशाल्लाह बहुत बेहतर होती चली गई। और फिर उसके बाद मैं जो क्लब रन करता हूँ पाक रिसेंट, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, ज़हीर अब्बास साहब, सर ज़हीर अब्बास, सर हनीफ मोहम्मद साहब, ये सब उस क्लब से खेले हैं और साइम अय्यूब ने भी उस क्लब को रिप्रेजेंट किया है और वहाँ से अंडर 16, अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान की। सही रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के। सर हम देखते हैं कोई खिलाड़ी जब इस तरह से परफॉर्म करता है या उसका नाम होता है तो बहुत सारे उसके कोचेस सामने आते हैं, बहुत सारे लोग ये बताने की कोशिश करते हैं हमने ट्रेन किया। जहाँ तक कोचेस की बात है, कोई भी एक खिलाड़ी के साथ एक कोचेस या चंद शख्सियात इन्वॉल्व नहीं होती। जब वो एक बच्चा ग्रूम अप होता है, पहले वो अकेडमीज लेवल के ऊपर होता है और किसी ना किसी कोचेज के साथ उसकी बाउंडिंग होती है। साइम अय्यूब मेरे साथ हमेशा से अटैच रहे और उसके बाद जब हम बात करते हैं क्लब क्रिकेट की, क्लब क्रिकेट खेलने के बाद जब हम रीजन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो बच्चा उस कोचेज के साथ अटैचमेंट कर लेता है और वहाँ पे खेलता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस जिस ग्रुप में भी साइम ने क्रिकेट को खेला है, चाहे वो अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 1 हो, तो तमाम कोचेज ने उसने कुछ ना तो सीखा है और उसके बाद वो इम्प्रूव करता चला गया। तो एक शख्सियत के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बेशक एक शख्सियत के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। अच्छा साइम ने जो परफॉर्म किया अभी रिसेंटली पास की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी कौन सी बात हुई कोई परफॉर्मेंस की बात? मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया माशाल्लाह, वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल बच्चा है और हमेशा वो बातचीत करता है, हमेशा आता है, चाहे वो उसने कोटा ग्लैडिएटर को जब रिप्रेजेंट किया उसके बाद भी उसने PIA क्रिकेट अकेडमी को कभी नहीं छोड़ा।
हमेशा आना जाना लगा रहता है, प्रैक्टिस जारी रहती है। अच्छा, प्रैक्टिस जारी रहती है। अच्छा साहब, क्या ये एकेडमी में और कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो कि मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान में हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं, जिन्होंने साइंस को कोच किया, फिर आपका उनके साथ कैसा ताल्लुक रहा? माशाल्लाह सबके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। एक बच्चा जब एक अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता है, हर इंसान की कोशिश होती है कि उसको सपोर्ट करें और उसके साथ अच्छा लेकर चले नेक्स्ट लेवल पर। अच्छा, जिस तरह मैं पीआईए एकेडमी की बात करूँगा तो शाहरुख खान साहब एक शख्सियत हैं जो कि मैंने भी काफ़ी कवर किया है उनको, जब मैं पीआईए एकेडमी आप लोगों के पास चक्कर लगा था। हर इंसान के करियर मोहसिन, हर इंसान के करियर में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो इफ्राहिम अय्यूब की जो स्टोरी है उसमें भी एक टर्निंग पॉइंट था, वो था अंडर 16 टूर टू ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें इफ्राहिम अय्यूब को बीसीबी ने शायद अंडर 16 में ओवर एज डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद साहिद खान साहब ने फाइट की थी, उसके बाद देखा जाए तो इफ्राहिम अय्यूब एज अ कैप्टन डिक्लेयर हुए ऑस्ट्रेलिया टूर पे, और माशाल्लाह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, इतनी तेज विकेटों पे, इतने तेज बॉलर को उन्होंने 150 प्लस रन बनाए एक इनिंग में। उसके बाद लोगों को पता चला है हाँ भी इफ्राहिम अय्यूब कोई एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत स्टाइलिश है और बहुत ही आउट क्लास खेलता है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था इफ्राहिम अय्यूब की लाइफ का, जिसमें लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगे। सही, टर्निंग पॉइंट का आपने बताया। ऐसे ही शॉट्स जो खेलते हैं, जिस तरह पीछे का फ्लिक करते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं, लोग उन्हें सही अनवर से भी मिलाते हैं, तो ये जो पीछे वाला शॉट है, तो ये खुद टाइम लेकर आए थे या किसी ने उनको सजेस्ट किया कि भाई मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट की यही रिक्वायरमेंट है, इन्हीं शॉट्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जाए? नहीं, माशाल्लाह से वो हर लिहाज से बहुत टैलेंटेड है और वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को जो है ट्राई करता रहता है। बेसिकली नो लुक शॉट जो है वो है इम्पैक्ट, जब हम बॉल को कनेक्ट करते हैं क्लोज टू द बॉडी या हम आई ऑन द बॉल रखते हैं, तो कनेक्शन के बाद वो उस जगह पर देखते नहीं है, तो वो एक इनका अलग लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है। सही, कॉन्फिडेंस लेवल है। बहुत शुक्रिया कयूम कि आपने अपना कीमती वक्त दिया इफ्राहिम अय्यूब के हवाले से। कुछ अपने हवाले से ही बताएं कि पाकिस्तान में कोचिंग के हवाले से जो जैसे आप जैसे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, उनका क्या रोल है या कितना इजी है कोचिंग करना, कितना मुश्किल है, क्या समझते हैं अगर कोई यंगस्टर कोचिंग में आना चाहे तो? मैं इसके बारे में तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एकेडमी लेवल के ऊपर जो कोचेस काम कर रहे होते हैं तो उनकी भी एक वर्थ होनी चाहिए, एक वैल्यूज होनी चाहिए। जाहिर सी बात है पीसीबी जब भी कोई भी इवेंट करवाता है, अंडर 13 हो, अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, तो उसके ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। उस ट्रायल में जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो बेस्ट प्लेयर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, किस जगह पे होते हैं, उन्हें कौन कोच करता है, इस पर भी पीसीबी को नज़रसानी करनी चाहिए कि वो कोचेज भी वैल्यूएबल हैं। सही, ठीक है, वो कोचेज भी वैल्यूएबल है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक हमारे प्लेटफॉर्म से आपके पैगाम जाएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर आपको दावत देने के लिए आपको जहमत देंगे कि हमारे क्रिकेट रूम के प्लेटफॉर्म पर आएं और इसी तरह से गुफ्तगू करें, जो शऊर है जैसे यंगस्टर्स के हवाले से मैंने कोचिंग का कहा वो बेदार करें, और फिर ऐसे नए नए अच्छे अच्छे साइम जैसे प्लेयर्स आप लोग प्रोड्यूस करते रहे हमारी तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को भी हमारा आज के एपिसोड पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मोहम्मद कयूम और मोहसिन मेहंदी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।